बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए, पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए और गेम चेंजर है। ये सदन के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार है। कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती का हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। ये सत्य है कि राम मंदिर की चर्चा हर ओर है। ये चर्चा भी हो रही है कि आस्था के अयोध्या से पथ से उमड़ी राम लहर चुनावी बयार की दिशा बदलेगी। लेकिन संसद के भीतर से प्रधानमंत्री ने ये भी बता दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ राम नाम का ही हथियार नहीं है। धारा 370, तीन तलाक, महिला आरक्षण और विकसित भारत का संकल्प, ये वो उपलब्धियां और संकल्प हैं जिनका जिक्र हर एक मंच से बीजेपी कर रही है। जब संसद सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने संबोधन शुरू किया तो उनका फोकस इन्हीं कुछ मुद्दों पर था, जो बताने के लिए काफी है कि बीजेपी की चुनावी चाल क्या होने वाली है। कि नया सदन, इसकी भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारंभ एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है, और वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसका जिक्र खुद करके आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति। अब समझिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संसद में आए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने तीन तलाक, महिला आरक्षण और धारा 370 से लेकर विकसित भारत संकल्प का जिक्र क्यों किया, और क्या ये मुद्दे लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? दरअसल ये वो मुद्दे हैं जिनकी काट विपक्ष के पास नहीं है। मसलन, तीन तलाक कानून के जरिए मुस्लिम समाज की महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने की कवायद को रफ्तार मिली, जबकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से एक ओर बीजेपी का राष्ट्रवाद वाला नैरेटिव पहले से कहीं बड़ा हुआ, तो दूसरी ओर धारा 370 हटने के बाद घाटी में जो बदलाव आया उसने बीजेपी के विकास वाले एजेंडे को कहीं ज्यादा मजबूत किया। उधर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए बीजेपी ये संदेश देने में जुट गई है कि विपक्ष सिर्फ महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की बातें करता है, लेकिन बीजेपी उससे एक कदम आगे बढ़कर इन सपनों को हकीकत में बदलना जानती है। इसके अलावा विकसित भारत का संकल्प बीजेपी को देश के युवाओं से जोड़ता है जो अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हैं और ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का विकास संभव है। तीन तलाक, कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी, अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहे, कोई अप्रकट रूप से कहे, लेकिन तीन तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी मान्य सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। पीढ़ियों से होता यह न्याय हमने पूरा किया है, और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है। भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है,
और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। महिला आरक्षण और ट्रिपल तलाक का मसला हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी ने हर विषय पर अपनी बात रखी। 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दिया तो आने वाले वर्षों की रणनीति भी बता दी। इसे ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बता दिया है कि लगातार तीसरी बार उनकी सत्ता में वापसी कन्फर्म है।